अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं इश्तियाक अली। नाज़रीन, आपने जानी हेडलाइंस। आइए चलते हैं आज के अहम खबरों की तरफ। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। गुजरांवाला में मुबीना पुलिस मुकाबला। रिकवरी को जाने वाला मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। वाकया थाना नुशायरा विरका की हदूद में पेश आया, जहाँ पर सदर कामों की पुलिस खतरनाक मुलजिम खुर्रम मसीह को रिकवरी पर लेके जा रहे थे कि पुलिस वैन पर उसके मुबीना साथी ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने अपने बचाव के लिए जवाबी फायरिंग की, तो उस दौरान मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस ने इलाका को सील करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और रेस्क्यू की मदद से लाश को नुशायरा विरका मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 80 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस था। और इसके साथ ही कामोकी में मैट्रिक इम्तिहान में लीगी MNA के बेटे की जगह पर पेपर देने वाला नौजवान रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने MNA के बेटे समेत दो अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 सेंटर नंबर 66 कामोकी में लिखी MNA चौधरी जुल्फकार अली बिंडर के बेटे फरहान रोल नंबर 6,04,748 का इंटरमीडिएट का इम्तहान था, जिसकी जगह पर खुबैब नामी नौजवान इम्तहान दे रहा था, जो कि सेंटर सुपरिटेंडेंट ने उसको शक गुजरने पर रंगे हाथों पकड़ लिया, मगर वो फरार होने में कामयाब हो गया। जबकि थाना सिटी पुलिस ने सेंटर सुपरिटेंडेंट अदील नज़र विरक की मुदैयत में लिखी MNA के बेटे फरहान और खुबैब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीराबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर सौतेले बाप की बेटे से मुबीना ज़्यादती। बीवी ने शोहर को बेटे के साथ ज़्यादती करते देख लिया। आपको एक दफ़ा फिर आगाह करते चलें, वज़ीराबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर सौतेले बाप की बेटे से मुबीना ज़्यादती। बीवी ने शोहर को बेटे के साथ ज़्यादती करते देख लिया। पुलिस थाना सिटी ने माँ की दरख्वास्त पर सौतेले बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रिश्तों के जहाँ में खुद से चलो कुछ तो मेरा है बेटा, उस घर के लोगों को अपना समझना। प्यार की धुन पे जितने साज हैं बनते, यूं लगे जैसे अरे ये क्या, आज तो इस घर में तुम्हारा पहला दिन है। अम्मी, पहला दिन जरूर है, लेकिन अपने घर में। रिश्ते खालिस हो तो हर घर अपना लगता है, क्योंकि खालिस ही सब कुछ है। नेस्ले 150 years। ब्रेक के बाद खबरनामा में खुशामदीद। ना ज़मीन फटी ना आसमान गिरा, खून सफ़ेद हो गया। आपको बताते चले कि वज़ीराबाद के नवाही गांव थाना अलीपुर चट्ठा के नवाही गांव सैद नगर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां बदबख्त भाई ने बाबी से मिलकर सगे भाई को गोली मारकर कत्ल कर दिया। जुल्म पर जुल्म, खानदान वालों ने वाक़या को छुपाने के लिए बाहम सलाह मशवरा होकर मकतूल को दफनाने की तैयारी भी कर ली कि अचानक पुलिस को भिनक पड़ गई, जिसने शुबा में देवर बाबी को हिरासत में ले लिया, तो तमाम वाक़या सामने आ गया। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि मुलजिम अदनान मसीह की अपनी बाबी तहमीना से दोस्ती थी, जिसका मकतूल आदल को शुबा था। मुलजिम अदनान मसीह ने प्लानिंग करके अपनी बाबी तहमीना से मिलकर भाई को कनपट्टी पर फायर मारकर कत्ल कर दिया। खानदान वालों ने मकतूल के कत्ल को छुपाने की नाकाम कोशिश की और तजहीज़ो तकफीन की तैयारी की जा रही थी कि पुलिस थाना अलीपुर चट्ठा ने मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। और हाफजाबाद में वक्त के फिरौन, मेरे मुखालफिन को मीडिया ट्रायल करके भी कुछ हासिल नहीं होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में फ़ोटो एडिट करके वायरल करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस दो का मालिक मेरा रब करीम है। इन ख्यालात का इजहार साबक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चौधरी अमानुल्लाह सिंधो एडवोकेट ने किया। उन्होंने कहा कि खातून एडवोकेट के साथ तस्वीरें एडिट करके कुछ शरपसंद अपने मजमूम मकासद की तकमील चाहते थे, जिस पर उन्होंने नाजीबा तस्वीरें वायरल की। और उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरी तस्वीरों की एडिटिंग करने और वायरल करने वालों के खिलाफ अदालत से रजू कर लिया गया है। आखिरी हद तक जाएंगे और बदनाम करने की साजिश बेनकाब करके मुलजमान को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। इनका मज़ीद कहना है कि ऐसे किसी की शोहरत को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, इज़्ज़त मेरा मालिक अता करने वाला है। उन्होंने कहा कि इस तरह के ओछे हथकंडे अदलिया और वकला पर कई बार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बार और सियासी मुखालिफ जो मर्जी करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह जुल्म की इंतहा है, ऐसा करना हम भी जानते हैं। अगर मुखालफिन बाज ना आए तो आने वाले इलेक्शन में शिकस्त उनका मुकद्दर होगी। अब हमारा शेर
अल्लाह ताला के फजल से कामयाबी हमारे शेर के कदम चूमेगी, फतह हक सच की होगी।